हेलो एवरीवन फ्रेंड्स वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ चैनल आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो ये है कम्फर्टर तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि आप कम्फ़र्टर्स कैसे धोते हो तो मैंने कहा मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब इसको वाटर में भिगोएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा तो हमसे ये नहीं हो पाएगा तो इसीलिए मैं इजीली वॉशिंग मशीन में धोती हूँ क्योंकि इसमें हर एक ऑप्शन होता है और मेरे पास ये सैमसंग का वोबल वॉशिंग मशीन है जिसमें मैं इजीली ब्लैंकेट्स धोती हूँ और डोर मैट्स भी धोती हूँ और जो कम्फ़र्टर्स हैं उनको धोती हूँ तो इसमें मैं पहले ये जो कम्फ़र्टर है वो डाल देती हूँ तो मैं आज एक एक ही कम्फ़र्टर डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मशीन नहीं है तो मेरी जो मशीन है वो सिक्स केजेस की है तो इसीलिए मैं एक ही कम्फ़र्टर डाल रही हूँ इसमें अगर आपकी इससे ज़्यादा बड़ी है तो आप दो भी डाल सकते हो मतलब उसकी जो कितनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिए और आपको जो ये वॉश होने के बाद इतना फ्लफी और जैसे आपका पहले था नया कम्फ़र्टर वैसे ही लगेगा आपको और मैं इसी में धोती हूँ हमेशा से क्योंकि इससे जो है मेहनत भी कम लगती है और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सर्फ़ एक्सल मैटिक टॉप लोड मशीन के लिए जो यूज़ होता है एक्चुअली आप आ, लिक्विड मैटिक जो सर्फ़ एक्सल का होता है वो भी यूज़ कर सकते हो तो मेरे पास अभी लिक्विड नहीं है पाउडर है तो मैं वही डाल रही हूँ और ये है कंफर्ट फैब्रिक जो आपके जो क्लोथ्स को खुशबूदार बनाता है तो यहाँ मैं कम्फ़र्ट डाल ले रही हूँ डिटर्जेंट ऐड कर लिया मैंने और बस इतना सा ही काम करना है जो हमको बहुत मेहनत से आ, करना होता है वो इस मशीन में बहुत इजीली धुल जाता है वो तो आप इस ज़रूर नेक्स्ट टाइम कंफर्टर्स को वॉशिंग मशीन में धोए और कुछ लोग सिर्फ सुखा देते हैं और उसको फिर से स्टोर कर लेते हैं लेकिन उसमें जर्म्स रह जाते तो आपको मशीन में अगर आप धोते हो तो इजीली धुल जाते इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका कंफर्टर ख़राब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ पे मशीन ऑन कर दी है मैंने और 42 टू फोर्टी फाइव मिनट्स में आपका जो ये कंफर्टर है धुल के बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा बाकी के काम आप घर के आराम से कर सकते हो तब तक आपका ये जो कंवर्टर है धुल के बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए वॉश हो गया है और ये कितना फ्लफी हो गया है इसको बस थोड़ी सी धूप लगानी है आपने और मतलब एक हाफ़ एन आर अगर आप इसको धूप में सुखाओगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको फिर से स्टोर कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगी और एक हाफ़ एन आवर या वन आवर के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा इसको मैं अलमारी में स्टोर कर सकती हूँ और ये बिल्कुल यूज़ करने के लिए भी तैयार हैं तो आप देख सकते हो इसका कोई भी रेशा नहीं ऐसे मतलब जो ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल फ्लफी और जैसा न्यू कंफर्टर होता है वैसा ही है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं और आप ज़रूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए और मेरे जो चैनल के ब्लॉग्स हैं आप ज़रूर देखें विज़िट करें चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स